पता क्यों नहीं कि सूरज को गुस्सा क्यों आ जाता है। वो रोटी का फल करके वो सूरज भड़क जाता है, वो कहती है उस पर नाराज़ होता है, तुम खाना खाओ नहीं तुम्हें तुम्हारा गला काट दूंगा। मुझे सुनते ही लड़की खाना खा लेती है तो सूरज उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलती मोनिका है, मेरा नाम है। सूरज मोनिका से कहता है तुम्हें नहीं मालूम ये धनी दे तुम्हें खराब कर खत्म कर देंगे। तो वह सूरज से कहती है तो तुम अपनी माँ को क्यों नहीं बुला लेते। सूरज कहता है अगर तुम यहाँ से छूट कर जाओगी तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी तुम्हें देख कर खुश नहीं होंगे क्योंकि उनने ही तुम्हें यहाँ फंसाया है। अगर वहाँ से आवाज आती कि उस लड़की के पिताजी पैसे नहीं दे रहे हैं तो उसको मार डालो। यह सुनकर सूरज को बड़ा बुरा लगता, उसकी आंखें सूख जाती। वो तुरंत दौड़कर सोनू के पास आता है और कहता है कि सोनू से कहता है सोनू भाग जल्दी भाग, दरिंदे आ गए, दोनों का सिर उतार देंगे। वहां से वह पिंजरा तोड़ के सोनू को लेकर भाग जाता है। तो डाकू को उसके आदमी करके आते हैं, बताते हैं कि अब वो लड़के दोनों भाग गए हैं। तो डाकू कहता है उनको पकड़ो और उनके सर के हाथ फिर काटो। सोनू कहता है वो देखो हमारे भागने की खबर उनको लग गई। मोनिका कहती है अब क्या होगा। भागते वक्त सोनू थक जाती है और कहती है मुझसे नहीं होगा सूरज। तो इस प्रकार से लड़की ने सूरज के नाम के लिए हाँ मैं तुझे सूरज बोलता है मेरा नाम सूरज। वो थोड़ा अचंभित होता है, कहता है हाँ मैं तुम्हें सूरज कहूँगी। खूब आतिशबाजी होती है। सूरज कहते हैं गोलियाँ चल रही हैं हमें लग सकती है तो लड़की थी वो गोलियाँ से नहीं डरती। दोनों नदी में कूद जाते हैं और एक दूसरे को चिल्लाते हैं रहते हैं। सूरज कहते हैं मोनिका मोनिका सुनाती सूरज सूरज दोनों की आवाज़ें एक दूसरे से दूर हो जाती है। सूरज परेशान हो जाता है उसने मोनिका 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 पर उसे मोनिका की आवाज़ कहीं सुनाई नहीं देती। वो आवाज़ उससे बहुत दूर होती जाती है, वो परेशान होते जाता है। सूरज पुलिस को मिल जाता है, पुलिस उसे पकड़ कर ले आ जाती है और अपने बड़े साहब से कहती है साहब ये उस डाकू का आदमी लल्लन सिंह का आदमी है, ये हमें उसका एड्रेस बताने के लिए तैयार है। तो क्या हम इसको अपने इसके साथ चल के लल्लन सिंह के ऊपर हमला कर सकते हैं। पुलिस साहब कहते हैं चलो लल्लन सिंह के ऊपर हमला करते हैं, उसको ले चलो। कहाँ है वो? उनकी अड्डे पर पुलिस हमला कर देती है, वहाँ काफ़ी लड़ाई होती है। लल्लन सिंह वहाँ से भाग जाता है, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती और वापस आ जाती है और सूरज को कहती है हम तुमको सुधार गृह की ओर भेजेंगे। पुलिस उसको पकड़ कर थाने ले आती है और उसको सुधार गृह भेजने के लिए तैयार करती है और उसको सुधार गृह की ओर भेज देते हैं। आगे की कहानी आपको तीसरे पार्ट में मिलेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।